2019-20 में आए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई। ये वो समय था जब बच्चे बच्चे के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, कोरोना। इस वायरस ने दुनिया भर में भारी तबाही मचाई और गहरी चोट देकर चला गया। हालांकि ये वायरस आज भी मौजूद है, पर अब इतना जानलेवा नहीं है। लेकिन अब दुनिया को दहलाने फिर से दो नए वायरस आ गए हैं, जिनसे एक बार फिर से कोरोना की ही तरह भारी तबाही का अंदेशा है। ये दो नए वायरस हैं ओरोपोचे और मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ओरोपोचे नया वायरस है जो सबसे पहले अमेरिका में डिटेक्ट हुआ। अमेरिका में काफी लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब ये दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रहा है और जगह जगह से इसके मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका के बाद ब्राजील और पेरू में इसके मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ये एक बुखार की तरह फैलता है, जिसकी वजह से ब्राजील में दो महिलाओं की मौत तक हो गई है। ये दोनों महिलाएं 30 वर्ष से कम आयु की थी। ओरोपोचे वायरस ओरोपोचे बुखार का एटियोलॉजिकल एजेंट है, जो एक जूनोटिक रोग है, जो मुख्य रूप से क्यूलिकोइडस पेरेंसिस प्रजाति के मिस द्वारा फैलता है। हालांकि इस वायरस की खोज 1955 में त्रिनिदाद और टोबैको में की गई थी, लेकिन इसके बाद ये कई यूरोपीय देशों में भी रिपोर्ट किया गया। हाल ही में ब्राजील और पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में ओरोपोचे बुखार के प्रकोप के कारण वायरस और रोग दोनों पर सबका ध्यान गया है। हालांकि मध्य और दक्षिण अमेरिका को उभरते जूनोसिस का हॉटस्पॉट माना जाता है, लेकिन अब ये वायरस ब्राजील, पेरू समेत अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर में फैल चुका है। बीते कुछ दिनों में ही ब्राजील के 20 राज्यों में इसके 7,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। बीते साल भी इसके 840 मामले रिपोर्ट किए गए थे। ओरोपोचे बुखार भी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की ही तरह संक्रमित मच्छर के काटने या फिर उनके द्वारा दूषित भोजन को खाने से फैलता है, जिसके बाद व्यक्ति को तेज बुखार की शिकायत होती है। हालांकि एशिया और यूरोप में ये बीमारी नहीं है, लेकिन मध्य और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ कैरेबियन देशों में ये काफी पुरानी बीमारी है। ओरोपोचे वायरस से संक्रमित मरीज को सिरदर्द, बुखार, ठंड या कपकपी, जोड़ों में दर्द और उल्टी की शिकायत होती है। इस वायरस से संक्रमण मच्छर के काटने के 4 से 8 दिन बाद देखने को मिलता है। अगर मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, वरना उसको ठीक होने में लंबा समय लग सकता है और मरीज की जान तक जा सकती है। मंकी पॉक्स या एमपॉक्स भी ओरोपोचे की तरह एक दुर्लभ बीमारी है, जो एमपॉक्स वायरस के कारण फैलती है। वायरस आमतौर पर चूहों और बंदरों को प्रभावित करता है, लेकिन अब इनसे इंसान भी प्रभावित हो रहा है। ये वायरस संक्रमित जानवर या इंसान के ड्रॉपलेट से फैलता है, जिसके बाद अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले भी तेजी से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मंकी पॉक्स के लक्षणों में भी तेज बुखार आना, मांसपेशियों और पीठ में तेज दर्द महसूस होना, तेज सिरदर्द, सूजन और शरीर पर चकत्ते होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मंकी पॉक्स बुखार 5 से 21 दिनों तक रह सकता है। WHO इन दोनों ही वायरस को लेकर चिंतित है और दुनिया भर से रिपोर्ट हो रहे इनके मामलों को लेकर गंभीर भी है। साथ ही WHO ने सभी लोगों को पूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है, ताकि इसके बढ़ते मामलों को रोका जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि COVID-19 की ही तर्ज पर जल्दी इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जिससे इसकी जांच और इलाज में बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिससे इन वायरसों से फैलने वाली बीमारी पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए।